हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिकास ग्रीन चिली। आज हम बना रहे हैं हरा भरा कबाब। कबाब के लिए पहले मैं एक पैन लूंगी और उसके बाद इसमें डालूंगी ऑयल। एक से दो चम्मच तक आप ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें डालूंगी जीरा, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट एक चम्मच, इसमें डालूंगी मैं आधी शिमला मिर्च चॉप करी हुई, इसे भी हम हल्का से सौते कर देंगे। इसमें मैं डालूंगी मटर, बॉयल मटर, बॉयल मटर डाल सकते हैं आप इसमें। और इसमें मैंने डाला ये पालक, मैंने पालक को धो के बॉयल कर लिया था और बॉयल करके छान लिया था। आधी कटोरी पालक, पालक और इसमें डालूंगी हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया। इन सबको हमें एक बार सौते कर लेना है अच्छे से। नमक, हमें इसका पानी खत्म होने तक इसे भूनना है। नमक, आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आप तीखा खाते हैं तो। मैं इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी हरी मिर्च लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला था। अब इसे पानी सूखने तक हमें भूनना है। क्या ऐसा हो जाएगा। डालूंगी मैं एक कटोरी पनीर ग्रेट करा हुआ, दो आलू हैं मेरे पास बॉइल, क्रम्स एक कटोरी, इसमें थोड़ा नमक और डालूंगी क्योंकि नमक हमने डाला हुआ था, थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अब इसे हम मिला लेंगे, अच्छे से मैश कर लेंगे, बन गया। अब इसमें डालूंगी मैं एक से डेढ़ चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर नहीं डालना चाहते हो आप, थोड़ी मैदा भी डाल सकते हो। ऐसे छोटी छोटी टिक्कियां शेप में, जैसा आप चाहते हो वैसा, मैंने गोल टिक्की का शेप दिया है, आप ऐसे इस शेप में बना के इसको ऊपर से एक काजू, हाफ काजू लगा के और इसके ऊपर ब्रेड क्रम लपेट दें। ऐसे, और आप ऐसे पहले से बना के रख सकते हैं इसको इस तरह से, और कोई आए तो आप तभी सर्व करें इसको, तभी फ्राई करें। देखिए, इसको हमें ऐसे गोल्डन तक, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तरह से फ्राई हो जाएंगे, हमें इसे निकाल लेना है। रेडी टू सर्व।